जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। माननीय सदस्य प्लीज, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब सदन के नेता बोल रहे हैं ये अपराधिक आचरण आपका ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा नहीं है। जो लोकतंत्र की प्रक्रिया से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशासनहीनता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है। लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो, ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी। लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है। और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है, इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था, यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी यहां कर्तव्यों की बात करने पर भी ऐतराज जताया गया है। उससे भी कुछ लोगों को पीड़ा हुई है कि देश का प्रधानमंत्री कर्तव्य की बात क्यों करता है, कर्तव्य की चर्चा हो रही। किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से विकृति से घड़ देना, विवाद खड़ा कर देना ताकि खुद लाइमलाइट में रहे, मैं हैरान हूं अचानक कांग्रेस को अब कर्तव्य की बात चुभने लगी है। आप लोग
अधीर रंजन जी आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए। अरे आपकी जिंदगी बोलते रह रहे हैं, आपका वही काम है। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, आप लोग, मान्य अध्यक्ष जी, आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नेहरू जी का नाम नहीं लेते हैं, तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूं, आपकी प्यास बुझा रहा हूं। देखिए कर्तव्यों के संबंध में नेहरू जी ने क्या कहा था, जरा मैं आज कोट सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन लेकिन आ गया समय, सीखो, सीखने में काम आएगा, तैयारी करो, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य को ही दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं, इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूं, कर्तव्य को दूसरे शब्दों में जिम्मेदारी कहते हैं। अब ये पंडित नेहरू का कोट है, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी कर्तव्य खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है, और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए, आप उसको भी भूल गए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अब वो भी थक गए हैं। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे यहां, मान्य अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा गया है क्षणशः, हमारे यहां कहा गया है क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थच साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। अर्थात विद्या ज्ञान के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है, संपत्ति संसाधनों के लिए एक एक कण जरूरी होता है, एक एक क्षण बर्बाद करके ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, और एक एक कण बर्बाद किया गया छोटे छोटे संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहूंगा, आप ये मंथन जरूर कीजिए कि कहीं आप इतिहास के इस महत्वपूर्ण अहम क्षण को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनाने के लिए, मेरी आलोचना करने के लिए, मेरे दल को कोसने के लिए बहुत कुछ है, कर सकते हैं आप, और आगे भी करते रहिए, मौकों की कमी नहीं है, लेकिन लेकिन
आजादी के अमृतकाल का ये समय, 75 वर्ष का ये समय भारत की विकास यात्रा में सकारात्मक योगदान का समय है। मैं विपक्ष के और यहां पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देशवासियों से भी आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आओ इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम नए संकल्पों के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर हम लग जाएं, कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां हम कम पड़े हैं उसको पूरा करें और आने वाले 2047 के शताब्दी वर्ष बनाने से पहले देश को कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़े। देश के विकास के लिए मिलकर के काम करना है। राजनीति अपने जगह पर है, हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके देश की भावनाओं को लेकर के जिए। चुनाव के मैदान में जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन हम देश हित में आगे आए इसी एक अपेक्षा को रखता हूं। आजादी के 100 वर्ष जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे वो जरूर चर्चा करेंगे कि ऐसी मजबूत नींव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई 100 साल की उस यात्रा के बाद देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए ताकि उनको आगे ले जाने का मन कर दे। हम यही सोचें कि जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें, हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हम कोई कोताही न बरतें, पूरे सामर्थ्य के साथ उस पर काम में लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को अनुमोदन करता हूं और मैं इस सदन में चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों का भी फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, आपने जो अवसर दिया, रोका टोका की कोशिश के बावजूद भी मैंने सभी विषयों को स्पर्श करने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।